ऑनर 9X। हाँ गईज, आप लोगों को पता है ऑनर 8X जो था बहुत ही बढ़िया फ़ोन था। देन अब गईज आने वाला है ऑनर 9X। और हाँ गईज, और 9X एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है। इस फ़ोन के बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन लिख डोटो के आ गई है, प्राइस एंड ऑल सब कुछ के बारे में। एंड 29 जुलाई को तो ये लॉन्च हो ही रहा है बाहर, इंडियन लॉन्च डेट कब है, क्या प्राइस के साथ आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी ही दिन में दो दो लाते रहता हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस ऑनर 8X जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ़ोन था, जैसे आप सबको पता है मैं वही पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये जो वीडियो बन रहा है उसी से बन रहा है। बट अब जो है वो ऑनर 9X आने वाला है गाइस, और ये बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन इसकी लिफ्ट आउट होकर आई हैं। तो सबसे बात करता हूँ गाइस इस फ़ोन की, मैं प्राइस सेगमेंट में क्या फ़ोन का प्राइस होने वाला है तो मैं आपको बता दूँ। इसका जो अभी रिसेंटली प्राइस निकल के आया है वो निकल गया है 1399 युआन, मतलब वही अराउंड 14-15 हज़ार रुपये में चाइना के, मतलब देखा जाए तो इंडिया में 14-15 हज़ार रुपये में लॉन्च होगा। एंड पिछले बार भी इसका जो बेस वेरिएंट था वो इतना ही का था, वो ज़्यादा महंगा नहीं था, तो आई थिंक बढ़िया है। प्राइस वाइज कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला है, तो लेट्स सी, इंडिया में भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होगा, तो 1-2 हज़ार का ही फ़र्क होता है, इंडिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसे लॉन्च डेट के बारे में, कब इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, क्योंकि 29 जुलाई को तो ये बाहर लॉन्च हो ही रहा है। इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूँ उसी, मतलब हो सकता है ये आपको अगस्त या तो सितंबर में देखने मिल जाए इंडियन मार्केट में, बिकॉज पिछले बार तो आई थिंक नवंबर में मिला था, लेट हुआ था, बट इस बार हो सकता, पिछले बार अक्टूबर या नवंबर में आया था, इस बार लेट सी शायद फ़ोन जल्दी आ जाए अगस्त या तो सितंबर में आपको देखने मिल जाए इंडियन मार्केट्स में। चलिए किस आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, बिकॉज इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन को ज़्यादा ही एक्साइटेड है। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ इस फ़ोन के डिज़ाइन के मामले में। डिज़ाइन गाइस यहाँ पे हमें ग्लास बॉडी देखने मिल जाएगी और ट्रिपल रियर कैमराज हमें पीछे में देखने मिल जाएंगे। तो भाई डिज़ाइन वाइज बहुत ही बढ़िया लुकिंग दिखता है इस फ़ोन का, और ब्लू कलर देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ग्लास बॉडी है तो आई थिंक डेफिनेटली लुकिंग वाइज ये फ़ोन अच्छा ही होने वाला है। डिस्प्ले में आता हूँ, डिस्प्ले गाइस यहाँ पे मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले, जो एक फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है। हाँ गाइस यहाँ पे हमें फुल व्यू डिस्प्ले देखने मिलेगा, जो एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी, एकदम पूरा बेजललेस और पॉपअप सेल्फी होगी, ये भी कन्फर्म हो चुका है इसमें, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी है। एंड शायद इसमें हमें एमोलेड पैनल देखने मिले, और होता है तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी, बिकॉज यार एक अलग ही 14-15 हज़ार रुपये में एमोलेड पैनल देता है ऑनर, तो एक अलग ही मज़ा आ जाएगी। बट लेट्स सी, अभी तो IPS का निकल रहा है, आप मुझे कमेंट करके, तो लेट्स सी गाइस क्या होता है इसमें एमोलेड पैनल, क्या IPS, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मगर पूरा बेजललेस होगा, ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड तो डिस्प्ले वाइज फ़ोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, फुल व्यू डिस्प्ले। तो बात चलिए इस बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, क्या प्रोसेसर इस फोन में देखने मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली जो है इसका बताया जा रहा है, इसमें मिल सकता है कीरी का 810 का प्रोसेसर। हाँ गाइस ये जो प्रोसेसर है ये 730 से भी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, और इसके जो जो स्कोर निकल के आए हैं इस फ़ोन के कुछ अराउंड 2 लाख के भी ऊपर गए हैं, तो एकदम बहुत ही बढ़िया बात है। एंड मुझे नहीं मतलब लगा कि इस 14-15 हज़ार रुपये में कीरी का 710 का प्रोसेसर एक थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। लेट्स सी, अभी ये बात कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है कोई और भी प्रोसेसर मिले कोई कीरी का, तो लेट्स सी जो भी होगा हम आपको ज़रूर बता देंगे। बट ये परफॉर्मेंस के साथ आता है और इस प्राइस में, तो डेफिनेटली अंडर 20,000 में बेस्ट एंड बेस्ट ऑनर 8X ऑनर 9X होने वाला है। चलिए आ जाते हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज फोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलिए आ जाते हैं जिसके कैमराज के बारे में, बिकॉज यहाँ पे हमें ट्रिपल रियर कैमराज देखने मिलने वाले हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। मेन सेंसर की अगर बात करता हूँ तो गाइस वो होने वाला है 24 मेगापिक्सल का, जो एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी यहाँ पे। एंड 24 मेगापिक्सल का सोनी का 5.7872 का सेंसर आपको देखने मिल जाएगा, 7.5 का सेंसर मिल जाएगा, जो एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी है। देन हमें एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने मिलेगा, हो सकता है 8 मेगापिक्सल का हो जाए, देन 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा। तो तीन ट्रिपल रियर कैमराज हैं, आपको एकदम भरपूर कैमराज मिल रहे हैं इस फोन में, ये एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगती है। सेल्फी कैमरा में आता हूँ, तो गाइस इस फोन में हमें पॉपअप सेल्फी मिलने वाली, जैसे मैंने आपको बताया था ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। तो पॉपअप सेल्फी में हमें यहाँ पे 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिल जाएगी, जो एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेट्स सी सेंसर कौन सा होता है, कैसी क्वालिटी होती है उसकी, तो बढ़िया 20 मेगापिक्सल की सेल्फी हमें इसमें पॉपअप में मिल रही है, तो पॉपअप बहुत ही बढ़िया पॉपअप इसमें देखने में मिल जाएगा। चलिए आ जाता हूँ गाइस यहाँ पे मैं इसके फाइनली बैटरी के बारे में, कितनी बैटरी हमें इस फोन में मिलेगी, तो मैं बता दूँ उसमें गाइस हमें मिलने वाली 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी के साथ आएगा, और फास्ट चार्जिंग भी होगी, और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर आई थिंक मिल जाएगा, हाँ ऑनर बॉक्स के अंदर दे देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी, बैटरी भी आपका इतना काम है कि 4000 आराम से आपका एक दिन चला देगी, बिकॉज फुल व्यू डिस्प्ले है तो वैसे ही जाएगा, तो वैसे बैटरी तो ड्रेन होगी तो इसलिए, बट आपको एक दिन आराम से 4000 mAh बैटरी काम कर देगी, और टाइप सी भी है, और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी आपको जल्दी से चार्ज हो जाएगा।
यूआई की अगर बात करता हूँ, एंड्रॉयड इन और द बॉक्स आएगा और मैजिक ओएस जो इनका उसके साथ ये रन करने वाला ऑनर का जो होता है। तो गाइस ये है पूरा ऑनर 9X और आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है ऑनर 9X के बारे में। मैं तो सोचता हूँ कि इंडिया के अंदर ये 14-15 हज़ार या 16 हज़ार भी होता है तो डेफिनेटली यार ये हर एक मुताबिक से मुझे तो नहीं लग रहा कि 14-15 हज़ार रुपये में सच में इसकी प्राइस होगी। एंड आप मुझे कमेंट कर बताएं आपको क्या लगता है। मेन बात यहाँ पे इसका क्या, इसमें हमें IPS पैनल मिलेगा या तो एमुलेट, ये भी एक बात यहाँ पे कंफर्म होना ज़रूरी है बिकॉज प्रोसेसर इसमें जो मिल रहा है वो 730 से भी ज़्यादा पावरफुल है, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। एंड मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है ऑनर 8X के बारे में। वीडियो पसंद आया यार तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को लो सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ टेक्स रिलेटेड और हमेशा आपको अपडेटेड रखता रहता हूँ। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।